पेरिस में न्यू टैलेंट्स आते रहते हैं। अमांडा पेरिस की एक वेल नोन सिंगर है। उसका आज बहुत बड़ा कॉन्सर्ट है। कॉन्सर्ट बहुत ही अच्छा गया। वो बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो अपने चेंजिंग रूम में चले गई। उसके चेंजिंग रूम के बाहर बहुत सारी भीड़ जमा हो गई उसे मिलने के लिए। सबको उसका ऑटोग्राफ चाहिए था, उसके साथ फोटो खिंचानी थी, पर इतनी सारी भीड़ अलाउड नहीं थी, तो एक एक करके लोगों को अमांडा से मिलने जाने के लिए दिया गया। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि अमांडा की डेथ हो गई है। किसी को नहीं समझ आता ये कैसे हो गया। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मेहुल क्राइम सीन को अच्छे से ऑब्जर्व करता है, तो उसका ध्यान जाता है कि अमांडा की क्लॉक टूट चुकी है। उसे लगता है अमांडा और किलर के बीच जरूर फाइट हुई होगी। मेहुल को तीन लोगों पे डाउट आता है। वो तीनों से सवाल पूछता है। पहली लड़की कहती है, मैं तो अमांडा की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं भी सिंगर बनना चाहती हूँ, मैंने तो उनके साथ सेल्फी भी ली है, ये देखिए। दूसरी लड़की कहती है, मैंने भी बस अमांडा मैम का ऑटोग्राफ लिया है, वो मेरी बच्ची की फेवरेट सिंगर है, मैंने भी उनके साथ सेल्फी ली है, ये देखिए। तीसरा आदमी कहता है, मैं भी जस्ट ऑटोग्राफ लेने आया था, मैंने उनके साथ सेल्फी भी ली है, ये देखिए। मेहुल सिनेरियो को अच्छे से ऑब्जर्व करके तुरंत समझ जाता है कि कौन ही कौन होगा। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। पहली फोटो 10:44 को खींची गई है और अमांडा की क्लॉक देखिए 10:45 को बंद हो चुकी थी, मतलब इन दोनों के बीच में ही फाइट हुई होगी और फिर इसने अमांडा का खून कर लिया। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रही थी, तभी एक पेपर आके उनको लगता है। उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है, किसने मुझ पे पेपर फेंका है, कोई अपना हाथ ऊपर नहीं करता। लेकिन टीचर तुरंत समझ जाती है कि ये किसने किया है। कैसे लॉजिकल आर्मी? टीचर ये कैसे समझ जाती है, क्या आप बता सकते हैं? ये वाले लड़के के नोटबुक के पेजेस का कलर देखिए, वो प्लेन के कलर से मैच करता है, मतलब इसी ने वो प्लेन टीचर पे फेंका है। टीचर ये समझ जाती है। चलिए अगली पहली देखते हैं। मेहुल रास्ते से जा रहा था, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो एक मैनहोल में गिर जाता है। वो मैनहोल में अंदर ही अंदर जाए जा रहा था, और जब वो रुकता है तो देखता है कि केव में वो फंस गया है। वो केव से बाहर आने का रास्ता ढूंढने लगता है, तब उसे सामने तीन दरवाजे दिखते हैं। लेकिन अब कौन सा दरवाजा सही है? तभी उसे एक आवाज आती है, अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो गेट नंबर 7 को चुनो, और अगर तुमने गलत दरवाजा चुना तो तुम पत्थरों के बीच में यहीं फंस के मर जाओगे। अब इनमें से कौन सा डोर नंबर 7 है? सोचे सोचे लॉजिकल आर्मी। डोर कुछ इस तरह से बने हुए हैं कि नंबर और उसका रिफ्लेक्शन दोनों जॉइंड है, तो ये ट्रायंगल वाला डोर अगर आप सेपरेट करेंगे तो ये 7 बन जाएगा। मेहुल समझ जाता है और उस डोर से बाहर हो जाता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। मिस्टर वॉल्टर बहुत अमीर आदमी थे और शहर में काफी पॉपुलर थे। एक बार उन्हें एक अननोन नंबर से कॉल आया और उन्होंने फोन उठाया तो उन्हें मार देने की धमकी मिल गई। वो बहुत डर गए। अगले दिन उन्हें एक लेटर भी आ गया और लेटर में उनसे 1,00,000 रुपए मांगे थे और उन्हें एक एड्रेस दिया गया था जहाँ पे उन्हें वो डालने थे, नहीं तो उन्हें मार दिया जाएगा। वो एड्रेस एक बस स्टॉप का था और डस्टबिन के बाजू का था। मिस्टर वॉल्टर बहुत डर जाते हैं और तुरंत डिटेक्टिव मेहुल के पास पहुंच जाते हैं और उसे बताते हैं कि कोई उन्हें बहुत दिन से परेशान कर रहा है, उनसे पैसे मांग रहा है। मेहुल उस हिंट को ध्यान से देखता है और हिंट को देख के वो समझ जाता है कि उसे बस स्टॉप पे एक आदमी भी मिलेगा। मिस्टर वॉल्टर और डिटेक्टिव मेहुल बस स्टॉप पे पहुंच जाते हैं तो उन्हें वहाँ 4 लोग दिखाई देते हैं। क्या आप इन चारों आदमी और क्लू को देख के बता सकते हैं इनमें से कौन है जो मिस्टर वॉल्टर को परेशान कर रहा है? सोचिए सोचिए। क्लू में लिखा है कि वो बस स्टॉप के नीचे और डस्टबिन के लेफ्ट में खड़ा है। अब बस स्टॉप के नीचे बस 2 लोग हैं और उनमें से बस ये आदमी ही डस्टबिन के लेफ्ट में खड़ा है, मतलब ये वही आदमी है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। बेन संडे को सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। न्यूज़पेपर में वो पढ़ता है बहुत बड़ी लॉटरी का रिजल्ट संडे को आने वाला है। पहले विनर को मिलेंगे $100, दूसरे को $50 और तीसरे को $20। लॉटरी का दिन आ जाता है और विनर्स अनाउंस होने वाले होते हैं। बहुत सारे लोगों की भीड़ वहां जमा हो जाती है। तीसरे विजेता का नाम अनाउंस होता है। वो बेन ने जीता था। बेन जाता है और अपना प्राइज ले लेता है। फिर सेकंड विनर का नाम अनाउंस होता है।
वो मेहुल था। मेहुल जाता है और अपना $50 ले लेता है। फाइनली फर्स्ट वाले का नाम अनाउंस होता है, लेकिन वहां पे तीन लोग आ जाते हैं और तीनों अपने टिकट दिखाते हैं। अब तीन में से दो टिकट तो फेक थी और बस एक टिकट ही रियल थी। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत उनके टिकट चेक करने पहुंच जाता है। क्या आप इन तीनों टिकट्स को देख के बता सकते हैं कौन सी टिकट असली है, 1, 2 या 3? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। वन और टू टिकट के पैटर्न्स को ध्यान से देखिए। साइड में 3 लाइन्स है जो टिकट नंबर 1 से मिलती है, लेकिन टिकट 2 में 4 लाइन है और टिकट 3 में बस 2 लाइन्स है। इसका मतलब ये टिकट फेक है। मेहुल ये समझ जाता है और असली टिकट वाले को प्राइस दे देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। क्लास में बैठ के लेक्चर अटेंड करना कितना बोरिंग लगता है ना, लेकिन हम सब ये करते हैं। मिस रोजी एक दिन क्लास में पढ़ा रही थी जब उन्हें कर्राटे की आवाज आई। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। कौन है ये, कौन मेरे लेक्चर में कर्राटे ले रहा है? वो पीछे पलट के स्टूडेंट्स को देखती है, लेकिन सबकी आंखें खुली थी तो वो वापस पढ़ाना शुरू कर देती है। तो उन्हें वापस कर्राटों की आवाज आती है। वो वापस पलटती है और सारे बच्चों को ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि कौन कर्राटे ले रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? ध्यान से इन बच्चों को देखिए, इन बच्चों की आंखों को ध्यान से देखिए। सबकी आंखें ब्लिंक हो रही है, लेकिन इस बच्चे की आंखों को देखिए, वो ब्लिंक ही नहीं हो रही है। उसने अपने चश्मे पे स्टिकर लगा दिया है। टीचर ये समझ जाती है और उसका चश्मा उतारती है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल हाईवे से जा रहा था, तभी वो देखता है कि साइड में एक आदमी पड़ा हुआ है। वो उसको चेक करने जाता है तो देखता है कि वो मर चुका है। कोई कैसे इतना दूर हाईवे पे मर सकता है, वो भी शहर से इतना दूर? मेहुल तुरंत पास वाले टोल बूथ पे जाता है और वहां से जाने वाली सारी गाड़ियों को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। 3 व्हीकल्स उस दिन वहां से क्रॉस हुई थी। मेहुल इन तीनों ओनर्स को कांटेक्ट करता है और उनकी कारों को अच्छे से चेक करता है। यह है कार 1, यह है कार 2, यह है कार 3। तीनों कारों को देखने के बाद मेहुल समझ जाता है कि किसने खून किया है। लेकिन क्या आप समझ पाए? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। दूसरी वाली व्हीकल को ध्यान से देखिए। उसके अंदर एक रेड ग्लव्स पड़ा हुआ है और इसी रेड ग्लव का दूसरा पैर वो डेड बॉडी के पास पड़ा हुआ था। उसी से मेहुल समझ जाता है कि इसी के उन्होंने मर्डर किया है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक वैम्पायर एक केव में फंस जाता है। उसे बाहर जाने के लिए 3 दरवाजे दिखते हैं। पहले दरवाजे के पीछे मोशन सेंसर है। अगर यहाँ से किसी ने जाने की कोशिश की तो वो मोशन सेंस कर लेगा और वो वहीं पे जल जाएगा। दूसरे दरवाजे के पीछे साउंड सेंसर है। अगर हल्की सी भी आवाज हुई, उड़ने की भी आवाज हुई, तो वो वहीं पे जल जाएगा। तीसरे दरवाजे के पीछे टेम्परेचर सेंसर है। अगर यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा भी बड़ा तो यहाँ पे आग लग जाएगी और जो जाएगा वो जल जाएगा। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी, मुझे बताइए वैम्पायर कौन सा दरवाजा लेगा। वैम्पायर्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब तीसरे रूम में जाने से उस रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, मतलब तीसरा डोर उनके लिए सेफ रहेगा, वो वहां से निकल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। टॉम मुंबई घूमने निकला है और वो बहुत लोगों से मिल रहा है। सिटी घूम रहा है, नई नई जगहों को एक्सप्लोर कर रहा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज, वो जिससे भी मिलता है एक क्वेश्चन जरूर पूछता है और सब लोग उसे अलग अलग आंसर देते हैं। ऐसा कैसे, ऐसा क्या क्वेश्चन है जो टॉम लोगों से पूछ रहा है? क्या आप सोच के बता सकते हैं? टॉम सबसे पूछ रहा था, अरे टाइम क्या हुआ है? और ऑब्वियस है, सेम डे में टाइम बदलता रहता है, इसलिए सब लोग उसे अलग अलग आंसर दे रहे थे। था ना ये इंटरेस्टिंग? इस बात पे वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अगली पहली देखते हैं। मिस्टर डिसूजा का उनके घर पे मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। उसके घर में उस वक्त 4 लोग थे। मेहुल चारों से पूछताछ करता है। मेड कहती है, मैं तो उस वक्त बर्तन धो रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। कुक कहता है, मैं तो सुबह से खाना बना रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। गार्डनर कहता है, मैं तो डिसूजा सर से आज मिला भी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। मैकेनिक कहता है, मिस्टर डिसूजा के कार में कुछ खराबी थी तो मैं तो ठीक करने आया था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है। सबकी स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए, समझिए।
और डिटेक्टिव मेहुल की मदद कीजिए इस केस को सॉल्व करने के लिए। अगर गार्डनर सुबह से गार्डन में काम कर रहा था तो उसके कपड़े और ग्लव्स इतने साफ कैसे हो सकते हैं? मतलब वो झूठ बोल रहा है। म्यूले समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मिया काम करके बहुत थक चुकी थी तो उसने सोचा ब्रेक लेती हूँ और कुछ खाती हूँ। उसने फ्रिज खोला तो देखा उसका डब्बा चोरी हो गया है। उसे बहुत गुस्सा आ गया, किसने मेरा खाना चुराया? उसके अलावा ऑफिस में चार लोग और थे। क्या आप चारों को देख के बता सकते हैं मिया का बॉक्स किसने चुराया होगा, एबीसी या डी ने? सोचे सोचे लॉजिकल आर्मी। पर्सन ये तो डाइट में दिख रहा है, उसने एप्पल खा लिया है और वो अभी फ्रूट्स खा रही है। बी वाले आदमी के साथ तो कुछ गड़बड़ है, वो कॉफी पे कॉफी पिए जा रहा है। सी वाले ने तो मैकडोनल्ड्स का खाना खाया है, उसके डस्टबिन में देखिए मैकडोनल्ड्स का बॉक्स पड़ा हुआ है। जरूर पर्सन डी ने ही मिया का टिफिन खाया है, उसके पास वाले डस्टबिन में देखिए खाने का बॉक्स भी पड़ा हुआ है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपको कैसा लगेगा अगर दिन भर के काम के बाद आप घर पहुंचे और आपको पता चला कि आपका एक फैमिली मेंबर किडनैप हो गया है? ऐसा ही कुछ हुआ मिस्टर रैन के साथ। जब वो घर जा रहे थे तो उन्हें किडनैपर का कॉल आया कि उन्होंने उसकी डॉटर अमांडा को किडनैप कर लिया है। मिस्टर रैन डिटेक्टिव मेहुल को अपने घर बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि उनकी डॉटर किडनैप हो गई थी लेकिन अब सही सलामत घर आ गई है। जब उन्हें सबसे पहले कॉल आया तो उन्हें लगा कि किडनैपर झूठ बोल रहे हैं। फिर उन्होंने उसे अमांडा की फोटो भेजी। फोटो देख के वो एकदम डर गए। उन्होंने अमांडा को पूरा बांध के रखा था। मैंने मेरी पूरी जमा पूंजी जमा की और उन्हें जाके दे दी और जब मैं वापस आया तो अमांडा घर पे थी। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन डिटेक्टिव मेहुल तुरंत समझ जाता है कि किडनैपिंग फेक थी। क्यों लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा? क्या आप सोच सकते हैं? अमांडा की फोटो को देखिए जो किडनैपर ने भेजा था, उसमें अमांडा प्रेग्नेंट नहीं है। मतलब ये बहुत ओल्ड फोटो है। उसी से मेहुल तुरंत समझ जाता है कि ये सब कुछ फेक था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मुंबई में चोरियां बहुत बढ़ गई थी। चोर बहुत चातिर हो गए थे और पुलिस को हमेशा धोखा देके भाग जाते थे। थक हार के पुलिस ने डिटेक्टिव मेहुल को कॉन्टेक्ट किया। डिटेक्टिव मेहुल सारी बैंक चोरियां के डिटेल्स में जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मंडे को चोरी स्ट्रीट नंबर 61 में हुई थी। ट्यूजडे को चोरी स्ट्रीट नंबर 72 पे हुई थी। थर्सडे को चोरी स्ट्रीट नंबर 84 पे हुई थी। मेहुल सोच में पड़ जाता है कि फ्राइडे को चोरी कौन से स्ट्रीट नंबर पे होने वाली है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच के बता सकते हैं? अच्छे से सोचिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मंडे फर्स्ट डे ऑफ द वीक है और वर्ड में 6 लेटर्स आते हैं, इसलिए रॉबर्ट्स ने चोरी स्ट्रीट नंबर 61 पे की। ट्यूजडे सेकंड डे ऑफ द वीक है और वर्ड में 7 लेटर्स है, इसलिए चोरी स्ट्रीट नंबर 72 पे हुई। थर्सडे में 8 लेटर्स है और फोर्थ डे है, इसलिए स्ट्रीट नंबर 84 में चोरी हुई। मेहुल इन पैटर्न्स को ध्यान से समझता और समझ जाता है कि फ्राइडे को चोरी कौन से स्ट्रीट नंबर पे होने वाली है। फ्राइडे में 6 लेटर्स है और वो फिफ्थ डे ऑफ द वीक है, मतलब स्ट्रीट नंबर 65। मेहुल पहले से वहां पे खड़ा रहता है। चोर आता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बहुत बड़ी रॉबरी हो जाती है। एक चोर ने करोड़ों की ज्वेलरी चुरा ली थी। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत ज्वेलरी शॉप पे पहुंच जाता है। मैनेजर मेहुल को बताता है वो एक औरत थी, उसने एक बहुत ही एक्सपेंसिव नेकलेस लिया और मुझे नकली पैसे दे दिए। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल शॉप पे घूमता है और हर चीज को ध्यान से देखता है और फिर वो सीसीटीवी फुटेजेस देखता है। पहला फुटेज वुमेन नेकलेस बाय कर रही है, दूसरा फुटेज वुमेन ने नेकलेस के लिए पे कर दिया, तीसरा फुटेज वो कार में बैठी और वहां से निकल गई। मेहुल तुरंत कार कंपनी को कॉल करके उस कार की डिटेल्स निकाल लेता है और उस लोकेशन पे पहुंच जाता है। वहां 3 घर थे। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं वो वुमन कौन से घर में हो सकती है, ए बी और सी? अच्छे से सोचिए। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे आंसर कमेंट करके बताएं। वुमन हाउस ए में छुपी हुई है। घर ए के बाहर पड़े शूज को देखिए, वो वैसे ही शू है जो मेहुल ने सीसीटीवी फुटेजेस में देखे थे। मेहुल घर में जाता है और उस वुमेन को पकड़ लेता है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। थर्सडे की मॉर्निंग को टॉम अपनी वाइफ से कहता है मुझे आज अपने बॉस के साथ फिशिंग पे जाना है, मैं कल इवनिंग तक आ जाऊंगा, मेरा बैग पैक कर दो।
टॉम की वाइफ उसका बैग, उसका फिशिंग बैग, उसके इक्विपमेंट्स और उसकी फेवरेट कैप सब पैक कर देती है। अगले दिन टॉम वापस आ जाता है और बहुत खुश होता है और अपनी वाइफ से कहता है, हमने बहुत सारी मछली पकड़ी है और इस ट्रिप में बॉस के साथ बहुत मस्ती किया है। और फिर वो अपनी वाइफ से पूछता है, लेकिन तुमने मेरी फेवरेट कैप क्यों नहीं रखी थी, कितनी धूप थी वहां पे। टॉम की वाइफ बहुत एंग्री हो जाती है और टॉम को बोलती है, तुमने मुझसे झूठ कहा। वाइफ को कैसे पता चला कि टॉम ने झूठ कहा था, सोचे सोशियोलॉजिकल आर्मी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वाइफ ने पैकिंग के समय कैप को फिशिंग बॉक्स पे रखा था और उसको कैप नहीं मिली, मतलब उसने फिशिंग बैग को खोला ही नहीं है, उससे वाइफ को समझ गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल अपने दोस्तों के साथ कॉफी पी रहा था, तभी एक लड़की उसके पास आती है और कहती है, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, एक ऑटोग्राफ मिलेगा। और एकदम से लाइट चली जाती है। मेहुल के सारे फ्रेंड्स पैनिक हो जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ, सब एक साथ चिल्लाने लगते हैं। तभी एक वेटर लाइट चालू कर देता है। जब लाइट आती है तो पता चलता है उस लड़की का डायमंड ब्रॉच चोरी हो गया है। मेहुल सीन पे मौजूद सभी लोगों से एक एक करके पूछताछ करता है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं, बहुत अंधेरा था तो हमको तो कुछ नहीं दिखा और हम तो तुम्हारे साथ ही बैठे थे, हमें कुछ नहीं पता है। वेटर कहता है, सर मैं तो अपनी जगह से हिला ही नहीं, मुझे भी कुछ नहीं पता है। लेकिन मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। मेहुल को ये कैसे समझा, पॉज करके अच्छे से सोचे लॉजिकल आर्मी। वेटर के हाथ के ऑरेंज जूस को ध्यान से देखिए, ग्लास आधा भरा हुआ था और लाइट आने के बाद वो पूरा भरा हुआ है, मतलब वेटर ने ग्लास में कुछ डाला है। मेहुल ग्लास को खाली करके देखता है तो उसमें डायमंड ब्रॉच मिल जाता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक तरफ आग लगी है, दूसरी तरफ पानी में मगरमच्छ है और तीसरी तरफ कांच है, तो सोचिए और मुझे कमेंट करके बताइए तीनों में क्या सेफ होगा। और ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।